दोस्तों, अक्सर स्कूल में क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं और कुछ बच्चे बातों में लगे होते हैं। हमारी यह कहानी यही दिखाती है कि क्लासरूम में पूरा ध्यान लगाकर पढ़ना चाहिए। बच्चों शांत हो जाओ। बच्चों, आप लोगों को कल जो होमवर्क दिया था सभी एक एक करके आओ और चेक करवाओ। मैम, यह रही मेरी कॉपी। गुड रूपा। तभी गोविंद सर आते हैं और कहते हैं, पारुल मैम, आपको पिंकी मैम बुला रही हैं। जी गोविंद जी, आती हूँ। रूपा सुनो। जी मैम। मैं पिंकी मैम से मिलकर आती हूँ, तुम ध्यान रखना कोई बच्चा शैतानी ना करे। ओके मैम। पारुल मैम के जाते ही सारे बच्चे शोर मचाने लगते हैं। अरे सुनना, एक बात तो बताओ। हाँ पूछो मीरा। कल तुमने मोमोज खाए थे ना? हाँ खाए थे, और उसके साथ मैंने चाट पकौड़ी भी खाई थी। मीरा, तारा, मैम ने बातें करने को मना किया है ना? क्यों बातें कर रही हो? जाओ जाओ, ज्यादा मैम की जासूस मत बनो। हम तो बातें करेंगे, तुम्हें क्या हूँ? हाँ बहुत बनती है, ये जब देखो अच्छे नंबर लाने का घमंड है इसे। अरे ऐसा मत बोलो, तुम लोग मेरी क्लास में हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम भी पढ़ाई में ध्यान लगाओ। तुम यहाँ से जाओ ना प्लीज, यहाँ पर ज्यादा ज्ञान बांटो। और एक महीने बाद जब एग्जाम के रिजल्ट आउट होते हैं तो रूपा फर्स्ट आती है। दूसरी तरफ मीरा और तारा के बहुत कम नंबर आते हैं। दोनों मुंह लटकाए खड़ी होती हैं कि तभी रूपा आती है। मीरा, तारा, यही रीजन था जो मैं तुम लोगों को क्लासरूम में बातें करने को मना करती थी। जब मैं पढ़ाती थी तब तुम लोग अपनी बातों में लगी होती थी, इसी वजह से तुम समझ ही नहीं पाई कि मैम ने क्या पढ़ाया। और अब देखो तुम लोगों के कितने कम नंबर आए हैं। हम बच्चों को क्लास में बातें नहीं करनी चाहिए, टीचर जो भी पढ़ाए उसे पूरे ध्यान से सुनना चाहिए। तो आप सभी प्रॉमिस करो कि अब कभी क्लास में बातें नहीं करोगे और हमेशा अच्छे नंबर सी लाओगे। इस कहानी में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम हैं कृष्णा, रूपा, चिराग, सोना, खुशी और सारिका। धन्यवाद।